देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक क्वेश्चन बोला गया है। पहला क्वेश्चन महाराष्ट्र सीटी 1999 में थ्री क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक था, बिल्कुल बेसिक, मतलब ऐसा ये पूछा गया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है। तो भाई वो तो इतनी बातों पर डिपेंड करता है, एरिया बढ़ाओगे बढ़ेगा, सेपरेशन कम करोगे तो भी बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक फिलअप करोगे तो भी के टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। तो तीनों बातों पर डिपेंड करता है। तो अब वो डिपेंड ये करता है कि जो भी ऑप्शन होंगे आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखिए क्या बोला गया है, 3 माइक्रोफेरेट, 1.5 माइक्रोफेरेट, ये सब अरेंजमेंट कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 3 माइक्रोफेरेट। अभी तीनों सीरीज में है, 1/3 + 1/3 + 1/3, 3/3, तो 1 माइक्रोफेरेड इसका आंसर आता है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और बोला गया था कि भाई एक कैपेसिटर C1 जिसका कैपेसिटेंस इतना, इतने पोटेंशियल तक चार्ज किया, बराबर, वापस से क्या किया, दूसरा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इतना, इतने पोटेंशियल तक चार्ज किया और दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव के कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर दिया, तो बताओ कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। देखो अगर किसी को ये पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, कैपेसिटर टॉपिक निकालो, कैपेसिटर में कनेक्शन ऑफ चार्ज कैपेसिटर नाम का टॉपिक है, कैपेसिटर में कनेक्शन ऑफ चार्ज नाम का टॉपिक है, वो जाके पढ़ो। उस टॉपिक में बात पूरी डिटेल में समझाइए, फिर भी मैं यहां पे भी डिस्कस कर देता हूं। भाई शुरुआत इनिशियल कंजर्वेशन प्रिंसिपल, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं जितना चार्ज इनिशियल होगा उतना ही चार्ज आपके पास फाइनली होगा। तो इनिशियली कितना C1V1, फाइनली कितना इसमें C2V2। अब देखो जब दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो एक कैपेसिटर में हो सकता है ज्यादा चार्ज तो दूसरे में कम हो। जब दोनों का पोटेंशियल अलग होगा तो चार्ज फ्लो होना शुरू होगा। एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि दोनों का क्या सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अच्छा पोटेंशियल सेम हुआ, अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो समझना मैं क्या बोल रहा हूं, पोटेंशियल सेम होने पर, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने पर दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने पर CP × VC, तो C1V1 + C2V2, C1 + C2 × VC, तो कॉमन पोटेंशियल आ गया C1V1 C2V2 डिवाइड बाय आ गया आपके पास में C1 + C2। तो देखो C1 कितना 20 × कितना 500 प्लस C2 कितना 10 × कितना 200 डिवाइड बाय C1 + C2 कितना तो 30। हर जगह से एक जीरो कैंसिल कर दो, 500 × 2 = 1000, 20 × 10 = 200 डिवाइड बाय 3 तो 1200 / 3 आंसर आता है 400 वोल्ट। सो दिस विल बी द 400 वोल्ट आंसर, 400 वोल्ट, 400 वोल्ट विल बी योर फाइनल आंसर। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक MJ कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव